हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं? होप करती हूँ अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक सुकून ब्लॉगर में दिल से स्वागत है। तो अब मैं बता दूँ, मैं अभी शाम हो चुकी है, तो शाम को अभी यहाँ पे बगल में, जस्ट बगल में पार्क है, तो बस अकेले पार्क घूमने आ गई। तो ये देखिए, लोग बैठे हुए ही हैं, बहुत लोग हैं जो कि घूम रहे हैं। इवनिंग पार्क के लिए आते हैं लोग। घर पे बैठे हुए थे, मन नहीं लग रहा था, तो सोचा पार्क ही हो आऊँ, क्योंकि बच्चों को मम्मी के घर पे रखा ही, तो सोचा घूम लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। ये देखिए क्या था, आप लोग भी देख लीजिए और दिखाते हैं। देखिए, अच्छा पार्क है बच्चों के लिए घूमने के लिए, अच्छा पार्क है, फ्री पार्क है। सबसे अच्छा बात तो ये है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि फ्री है ये। सुबह से शाम तक लोग घूमते भी हैं और सामने ये देख लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्री, सबसे अच्छी बात तो ये है, फ्री है। तो बच्चे लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी झूला झूलने का मन कर रहा है, लेकिन झूल नहीं सकते क्योंकि बच्चे लोग हैं और अकेले आए हैं। तो अब निकल रहे हैं घर, बस आए और जा रहे हैं, बस और तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ है भी नहीं, है ना, कुछ नहीं है ना। बस ऐसे ही कोई बगल में जा रहा था, उससे पूछ लिया, कुछ नहीं है। तो अब निकल रहे हैं घर, देखिए। जहाँ जहाँ पे लाइट है वहाँ पे फेस पे एकदम पूरा अच्छा फेस क्लियर दिख रहा है। तो चले अब घर। कौन सा पार्क है, नाम कौन सा पार्क है पता नहीं। ये देख लीजिए, ये रहा मेन गेट, तो बाहर आ गए। तो बस घर की दूरी यहाँ से 2-3 मिनट है। तो यहाँ पे बस गोलगप्पा खाने आए थे, रसमली रूप से तो गोलगप्पा खाने आए थे, बस गोलगप्पा खा के चले जाएंगे, तो अभी गोलगप्पा खाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ये देख लीजिए, जस्ट बगल में गोलगप्पा है, तो गोलगप्पा खाकर निकल जाएंगे। तो पार्क से निकल के थोड़ी दूर पे जहाँ पे घर है वहाँ पे पहुँच कर वहाँ पे गोलगप्पा खाई, क्योंकि वहाँ का टेस्ट नहीं मालूम था इसलिए वहाँ पे नहीं खाई, और घर के पास का पता था तो यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा रहता है इस गोलगप्पे वाले का, तो खा लिया। और एक बगल में दीदी खड़ी थी, उनको मैंने बोला कि वीडियो शूट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।